आपको मालूम है कि नंबर मैथ में नंबर सिस्टम का सेशन चल रहा है, और नंबर सिस्टम में आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है भाज्यता का नियम, जिसको हम लोग रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस नियम को जानना इसलिए जरूरी है कि इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वह कैसा क्वेश्चन होता है उसको बाद में डील करेंगे, पहले इसके नियम को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल ऑफ फॉर टू यानी कोई भी संख्या दो से कब कटेगा उसका नियम को जानना है। तो क्या है, यदि किसी संख्या की इकाई अंक, आपको मालूम है कि इकाई अंक कौन सा होता है, इकाई अंक पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या दो आ जाए, या चार आ जाए, या छह आ जाए, या आठ आ जाए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर जीरो या कोई सम संख्या हो, जीरो तो सम संख्या नहीं है, लेकिन जीरो और दो चार छह आठ के बदले में एक बार सम संख्या कह सकते हैं, तो जीरो और कोई सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, तो दो से विभाजित होगी। तो आपको यह चेक करना है, इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल में चेक करना है कि यह कौन सी संख्या है जो दो से विभाज्य है। तो यहाँ पर दो से विभाज्य में आपको हमेशा किस पर ध्यान देना है, तो इकाई स्थान पर ध्यान देना, इकाई स्थान पर। तो इकाई स्थान पर क्या है, दो है, तो दो से तो दो डिविजिबल होता है, इसका मतलब यह पूरा संख्या जो है वो किससे विभाजित होगा, तो दो से विभाज्य होगा। अब दो से विभाज्य यह संख्या होगी क्या, हाँ होगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, जीरो है, और नियम में कहा गया है कि जीरो भी हो और या कोई सम संख्या हो तो दो से विभाज्य होगी, या जीरो इसलिए यह संख्या क्या होगी, दो से विभाज्य होगी। यह संख्या क्या दो से विभाज्य होगी, तो इसके इकाई स्थान पर जब ध्यान देते हैं तो इकाई स्थान पर क्या है, विषम संख्या है, और विषम संख्या जब इकाई स्थान पर हो तो वह संख्या कभी भी दो से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो यह संख्या दो से विभाज्य नहीं होगी। तो ये दो का नियम था। अब हम लोग तीन से विभाज्य यानी कौन सी संख्या तीन से विभाज्य होगी उसको देखते हैं। तो दी गई संख्या के अंकों का योगफल यानी जो भी संख्या दिया गया है उसको अंकों को जोड़ने पर अगर वह तीन से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, तो वह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या जो होगी वह किससे विभाज्य होगी, तीन से विभाज्य। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये पूरा एक संख्या है और इस पूरे संख्या क्या बोला गया है कि पूरे संख्या के अंकों का योगफल, तो बताइए इस पूरा संख्या में अंक कितने हैं, एक दो तीन चार पांच और छह अंक का संख्या है, कितना का संख्या है, छह अंक का संख्या है। तो इस छह अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद अगर वह तीन से विभाज्य होगी, इसका मतलब है कि जब पूरी संख्या जो होगी वह किससे विभाज्य हो जाएगी, तो तीन से विभाज्य हो जाएगी। तो जोड़ते हैं हम लोग, आठ और एक नौ, नौ छह पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, सत्रह चार इक्कीस, और इक्कीस अति चौबीस, यानी जोड़ने पर कितना आ गया, चौबीस हो गया। इसको योग करने पर यह आ गया चौबीस, और आपको मालूम है कि चौबीस किससे विभाज्य होगी, तीन से विभाज्य होगी। इसका मतलब है कि यह पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, तो तीन से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब इस संख्या को देखते हैं, ये एक संख्या है, तो बताइए इसमें कितना अंक है, तो एक दो तीन चार और पांच अंक, ये पांच अंकों की संख्या है, और इसको देखते हैं कि तीन से विभाज्य होती है, तीन से विभाज्य इसको जोड़ेंगे, चार दो छह, एक सात, सात नौ सोलह, सोलह तीन कितना हो गया, उन्नीस, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, उन्नीस। क्या उन्नीस तीन से विभाज्य है, तो नहीं है, इसका मतलब है कि अगर इस पूरे संख्या में अगर हम तीन से भाग दे तो यह विभाज्य यानी पूरी तरह से नहीं कटेगी, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। ठीक, इसलिए यह तीन से संख्या विभाज्य नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो एक बात और, अगर तीन से जो नियम है वही नियम नौ का भी है, वही नियम क्या है सत्ताईस का भी है, इसलिए मैंने इसको एक ही जगह दे दिया है। तो जो नियम तीन का वही नियम नाइन का और वही नियम सत्ताईस का, बस यही देखना है कि तीन वाले में अंकों का योगफल तीन से कटना चाहिए, नाइन वाले में दी गई संख्या के अंकों का योगफल किससे, नौ से, यानी पूरे संख्या को जोड़ने पर किससे कटना चाहिए, तो नौ से कटेगा तभी यह संख्या जो होगी वह नौ से विभाज्य होगी। इसको जोड़ते हैं, सात पांच बारह, बारह दो चौदह, चौदह चार अठारह, यदि इसके अंकों का योगफल कितना आ गया, तो अठारह हो गया। कितने अंक की संख्या है, एक दो तीन चार अंकों की संख्या है, इसको जोड़ने पर अठारह आ गया। तो हमको नौ से अगर विभाज्य करना है तो किससे भाग देना होगा, तो नौ से ही भाग देखना होगा, तो नौ दो ना अठारह यानी पूरी तरह से कर सकेंगे, इसका मतलब नौ से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार सत्ताईस यानी तीन नौ और सत्ताईस का एक ही नियम है, सत्ताईस वाले में है दी गई संख्या के अंकों का योगफल किससे पूर्ण का विभाज्य होना चाहिए, तो सत्ताईस से पूर्ण का विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर अंकों को जोड़ के देखते हैं, तो आठ ग्यारह, ग्यारह एक बारह, बारह छह अठारह, अठारह दो बीस, बीस और चार चौबीस, और तीन कितना हो गया सत्ताईस, यानी इसको जोड़ने में कितना आ रहा है सत्ताईस आ जाए, सत्ताईस में चौवन आ जाए, सत्ताईस से इक्यासी आ जाए। ये पूरी जो संख्या है, ये पूरी संख्या क्या ये सत्ताईस से विभाजित है, तो हाँ सत्ताईस से विभाजित है।
क्योंकि इसके अंकों का योगफल कितना है 27 और 27 से क्या होती है विभाजित होती है। तो यह बात याद रखना है आपको, मैं इसलिए एक ही जगह इसको लिख दिया हूं कि यह कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन? तो 3, 9 और 27 का एक ही नियम है, बस 3 वाले में पूरी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 वाले में दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए और 27 वाले में दी गई संख्या का योग 27 से कटना चाहिए। ठीक है, इसमें इसको याद रखें कि अगर 3 का याद है तो 9 का भी और 27 का भी। ठीक है, अब हम लोग अगले रूप की ओर चलते हैं। अगला रूप, अगला रूप जो है वो 4 के लिए है। तो कोई भी संख्या अगर 4 से विभाज्य अगर देखना है, चेक करना है, तो उसका नियम भी जानना आपको जरूरी है। देखते हैं, जिस संख्या के अंतिम दो अंक पर, यदि अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक का मतलब इकाई स्थान और कौन स्थान, दाएं स्थान। ठीक है, तो जिस संख्या के अंतिम दो अंक पर क्या हो, 0 हो, यानी इकाई स्थान पर भी 0 और दाएं स्थान पर भी 0 हो, या अंतिम दो अंक से बनी संख्या, अगर दोनों पर 0 नहीं है तो अंतिम दो अंक से बनी संख्या अगर किससे विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, क्योंकि 4 का नियम जाना है, तो अंतिम दो अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, तो 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि अंतिम दो अंक पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या अंतिम दो अंक से बनी संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, तो 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो चेक कर दें एग्जांपल, तो यह एक संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की संख्या है। तो अंतिम दो अंक पर, इसको अंतिम दो अंक पर क्या आ गया, तो अंतिम दो अंक पर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि यह किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, तो अंतिम दो अंक यानी 4 से अगर चेक करना है तो अंतिम दो अंक को ही चेक करना होगा, तो अंतिम दो अंक से बनी संख्या क्या हो गई, 48 हो गई। और आपको मालूम है कि यह 48 जो होगा वह 4 से विभाजित होगा, 4 × 4 और 4 × 8, यानी अंतिम दो अंक में ही भाग दिया है। ठीक है, तो यह कट जाएगा अंतिम दो अंक, ये 48 जो है वह किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी किससे हो जाएगी, 4 से क्या होगा, विभाजित। अंतिम दो अंक पर, यानी अंतिम दो अंक पर तो 0 नहीं है, एक ही अंक पर 0 है, तो हम दो अंकों की बनी संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर दो अंकों से बनी संख्या हो गई 40। और आपको मालूम है कि यह 40 जो है वो 4 से विभाजित, इसलिए यह क्या होगी, 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अंतिम दो अंक यदि अगर 0 नहीं हो तो दो अंक से बनी संख्या देखना है, तो अंतिम दो अंक से बनी संख्या कितना होगा, तो 34। और 34 आपको मालूम है कि यह 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह पूरी संख्या जो होगी वो 4 से विभाजित नहीं। ठीक है, अब हम लोग रूल किसके 5 का रूल, तो 5 का रूल एकदम आसान है। जिस संख्या की इकाई स्थान, आपको मालूम है कि इकाई स्थान कौन सा होता है, तो जिस संख्या की इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो या क्या हो, 5 हो, वह किससे विभाजित हो जाएगी, तो 5 से। यानी जैसे ही इकाई स्थान पर देखेंगे 0 नजर आया, वह किससे विभाजित हो गई, 5 से। इकाई स्थान पर देखेंगे 5 नजर आया, 5 से विभाजित हो गई। यानी 5 से विभाजित होने में आपको इकाई स्थान पर क्या चाहिए, 0 चाहिए या क्या चाहिए, 5। क्या यहाँ पर 0 और 5 है, कैसा है, नहीं है, इसका मतलब 5 से विभाजित नहीं। ठीक है, अब 6 के लिए रूट फॉर 6, यानी 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो जो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, कहने का मतलब है कि जिस संख्या को अगर 6 से वह भी संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी, उसको चेक करने के लिए यही करेंगे कि वह संख्या अगर 2 से विभाजित हो और 3 से, यानी दोनों से विभाजित हो गए, तभी वह संख्या 6 से विभाजित, यानी अगर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अगर 2 से विभाज्य नहीं है और 3 से विभाज्य है, तब भी नहीं होगी। यानी 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से भी कटना चाहिए वो संख्या, और किससे कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं, यह संख्या जो है वह 6 से विभाज्य है नहीं, तो 6 से विभाज्य होने के लिए हमको 2 और 3 दोनों का नियम अप्लाई करना है 6 वाले में। तो 2 का नियम से आपको मालूम है कि 2 के नियम का स्थान पर 6 सब संख्या आता है, तो 2 से कट जाएगा, यानी यह संख्या तो 2 से निश्चित रूप से कटेगी। अब 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी उसको देखना है, तो 3 से नियम है क्या, हमको जोड़ना है, 7 × 6 = 13 + 13 = 21 + 21 = 24 + 27 27 दिन से कट जाएगा, यानी 2 से भी कट गया 3 से भी कट गया, इसका मतलब है कि 6 से भी कट जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, ये संख्या 2 से कटेगी क्या, तो नहीं कटेगी। तो जैसे ही 2 से नहीं कटी, 1 में भी फेल हुआ, तो दूसरा को तो चेक करना ही नहीं है, तो 1 में भी फेल हुआ, इसका मतलब है कि 6 वाले में भी क्या हो गया, फेल हो गया, इसको देखना है। तो 2 ये संख्या तो 2 से तो कट जाएगी, अब 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी उसको चेक करते हैं। 5 × 2 = 7 × 2 = 9 9 × 7 = 16 9 कितना हो गया, 16 9 = 25, और 25 3 से नहीं कटेगी, ये 3 से नहीं कटेगी, इसका मतलब है कि 6 से भी विभाजित नहीं। ठीक है, तो हम लोग अगले रूट की ओर चलते हैं।
अब हम लोग अगले रूल पर चलते हैं। तो यह रूल है कि रूल फॉर आठ, यानी कि आठ से कौन सी संख्या कटेगी उसको जानना है। तो जिस संख्या के अंतिम तीन अंक, यानी अंतिम तीन अंक, चार वाले में आपने देखा था अंतिम कितना अंक, दो अंक, आठ वाले में आप देख रहे हैं अंतिम की कितना अंक, तीन अंक, और क्या हो, जीरो। या अंतिम तीन अंक से बनी संख्या अगर आठ से विभाजित हो तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, तो आठ से कट जाएगी। तो इस संख्या को देखना है कि यह संख्या जो है वो आठ से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आठ वाले में हमेशा कितने अंक पर ध्यान देना है, तो अंतिम तीन अंक पर ध्यान देना है। चार वाले में कितने अंक पर ध्यान देना है, तो अंतिम दो अंक पर ध्यान देना है। तो आठ वाले में अंतिम तीन अंक पर क्या है, तीनों अंक पर जीरो है, इसका मतलब है कि आठ से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अंतिम तीन अंक, तो अंतिम तीन अंक क्योंकि आठ से काट देखना है, तो अंतिम तीन अंक पर तो जीरो नहीं है, दो अंक पर जीरो है, तो अंतिम तीन अंक से बनी संख्या कितना हो गई, 400। तो 400 एक संख्या हो गई अंतिम तीन अंक से बनी संख्या, तो क्या आठ से कट जाएगा, तो हाँ आठ से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो होगी वो आठ से क्या होगी, विभाजित। अंतिम तीन अंक पर जीरो तो नहीं है, लेकिन अंतिम तीन अंक से बनी संख्या हो गई 496। तो 496 में कितना से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 × 48, यहाँ से बच गया 1 और यहाँ 6 यानी 16 हो गया, और 8 × 16 यानी पूरा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अंतिम तीन अंक से बनी संख्या कितना हो गई, 732, लगाइए 8 × 64, यहाँ से बच गया नहीं कट गया, ठीक है। अब रूल आठ वाले में आपने देखा तीन अंक, चार वाले में अंतिम दो अंक, आठ वाले में अंतिम तीन अंक, और आठ का डबल कितना होता है, 16, चार का डबल आठ, आठ का डबल 16, चार वाले में अंतिम दो अंक, आठ वाले में अंतिम तीन अंक, और 16 वाले में अंतिम कितने अंक, तो चार अंक। तो अंतिम चार अंक पर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या अंतिम चार अंक से बनी संख्या किससे विभाजित हो जाए, 16 से विभाजित। तो एकदम कॉम्बिनेशन है, चार का, आठ का, और किसका, 16। अंतिम चार वाले में अंतिम दो अंक, आठ वाले में अंतिम तीन अंक, और 16 वाले में अंतिम कितना, चार अंक, यही है। तो अंतिम चार अंक पर ध्यान देंगे क्योंकि 16 से देखना है, तो देखते हैं 16 से कटेगा क्या, 16 × 48 और 16 × 32 ये कट जाएगा। इसका मतलब है यह संख्या किससे कट जाएगी, तो 16 से विभाजित। अंतिम चार अंक पर क्या है, जीरो है, इसका मतलब है कि यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 16 से विभाजित। अंतिम तीन अंक पर जीरो है, अंतिम चार अंक से बड़ी संख्या कितना हो गई, 5000 हो गई। तो अंतिम चार अंक से बड़ी संख्या अगर 5000 है, तो 5000 को किससे भाग देंगे, 16 से भाग देंगे। तो आप दे सकते हैं 16 × 32, 16 × 48, 16 × 16, 40 और 16 × 32, ये शेष बच गया ना, इसलिए यह संख्या किससे नहीं करेगी, तो 16 से, ठीक है। अब रूल ऑफ 10 यानी 10 के लिए, 10 वाला नियम एकदम आसान है, आपको मालूम है कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर क्या आ जाए, जीरो हो जाए, जीरो, बस इकाई स्थान पर जीरो हुआ, इसका मतलब है कि वो किससे कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, ये भी 10 से कट जाएगी, इकाई स्थान पर जीरो नहीं है, नहीं कटेगी, इकाई स्थान पर जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का तो रूल देख चुके हैं, अब हम लोग अगले रूल पर, तो अगला रूल जो है वह 11 के लिए, और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो इस रूल को तो एकदम याद ही रखेंगे कि क्या है, ऐसे तो रूल सभी रूल को याद रखना है, लेकिन 11 रूल को ज्यादा ही ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया कि दी गई संख्या के अंकों को अल्टरनेट जोड़ना है, क्या जोड़ना है, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब है यहाँ पर कि एक एक को छोड़ के जोड़ना है, ठीक है। और कितना समूह बनाना है, तो दो ही समूह बनाना है, ज्यादा समूह नहीं बनाना है, अल्टरनेट अगर दो समूह बनाना है, कितना समूह बनाना है, दो समूह बनाना है, हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल में कि दो समूह बनाना है तो क्या करना है। तो दो समूह बनाना है तथा दोनों समूह का क्या प्राप्त करना है, अंतर, अगर दो समूह प्राप्त हो गया है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या दोनों सेम हो सकता है, तो अंतर प्राप्त करेंगे। तो अगर अंतर क्या आ जाए, जीरो हो जाए, तो दोनों सेम होगा अगर, तो अंतर जीरो आएगा, या क्या हो जाए, 11 आ जाए, अंतर जीरो हो जाए, 11 आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज का मतलब 11 × 22 33 × 44, ये गुणज है उसका, तो वह पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जांपल समझिए, तो कितना समूह बनाना है, दो समूह बनाना है, और क्या जोड़ना है, अल्टरनेट जोड़ना है। तो अगर दो समूह बनाना है तो अंतिम दो अंक ही लेंगे, अंतिम कितना अंक लेंगे, पहले दो अंक से स्टार्ट करेंगे, तो अंतिम दो अंक में पहले इससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इससे स्टार्ट करेंगे, ये समझिए कि स्टार्टर है,
ये क्या हो गया स्टार्टर। कितना समूह बनाना है, दो समूह बनाना है, तो अंतिम दो अंक समझिए उसका स्टार्टर है। ये पहला अंक अब अल्टरनेट जुड़ना है तो इसके साथ नहीं, किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा। ये वाला इस, अब इस, इस, इसको नहीं जुड़ना है इसमें, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के जुड़ना है, ठीक है, ऐसे जुड़ेगा। और जोड़िए जीरो पांच, पांच हो गया, और पांच और तीन कितना हो गया, आठ हो गया। अब यहाँ सिक्स किससे जुड़ेगा, दो से जुड़ेगा। तो यहां पर अगर जीरो फाइव और थ्री जोड़ते हैं, थ्री प्लस फाइव प्लस जीरो, ये समूह हो गया। अब एक समूह सिक्स से स्टार्ट होता है, एक सिक्स से स्टार्ट होगा तो एक सिक्स प्लस क्या टू, तो यहां से कितना हो गया, आठ हो गया। और यहां से कितना हो गया, आठ हो गया, दो समूह बन गए। अब दोनों समूह का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर अंतर जीरो हो गया, ग्यारह का गुणा जो संख्या किससे विभाजित होगी, ग्यारह से, अंतर का जीरो हो चुका है, इसका मतलब संख्या किससे विभाजित है, ग्यारह से विभाजित। उसी प्रकार इसको चेक करना है, तो ये बड़ा संख्या है तो दो समूह बनाना है। ग्यारह वाले में हमेशा दो समूह बनाना है, कितना समूह बनाना है, दो समूह बनाना है, और अल्टरनेट जोड़ना है। तो बनाइए, आप किससे पहले स्टार्ट करेंगे, जीरो से, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो अब सिक्स जीरो सिक्स सिक्स हो गया, सिक्स और सेवन कितना हो गया, थर्टीन, यानी यहाँ पर थर्टीन आ गया। इधर से जोड़िए आठ और नौ कितना हो गया, सत्रह, सत्रह सात कितना हो गया, चौबीस, चौबीस हो गया, ठीक है। अब दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, अब बड़ा में से छोटा घटाना है, माइनस नहीं लेना है, ठीक है। अब 24 में से 13 अगर घटता है तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब पहले हम 24 को यहाँ पर लिख सकते हैं, 24 माइनस 13, ये जो आया है एक 13 आया है और एक 24 आया है, 24 माइनस 13 कर दिए तो अंतर कितना आ गया, 11 आ गया। तो मालूम है कि 11 आ जाए या 0 आ जाए या 11 का गुणा जो, तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, 11 से, 11 से कर जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए अंतिम जवाब, दो हजार छह, छह और फिर नौ, यहां से तो नौ, अब यहां से जोड़िए नौ दो ग्यारह, ग्यारह पांच सोलह, तो एक हो गया नौ और एक हो गया सोलह, ठीक है। ऊपर वाले से हम लोग जोड़े तो दो चार छह तीन नौ, ऊपर वाले से नौ हो गया, नौ दो ग्यारह पांच, नीचे वाले से सोलह हो गया, तो सोलह में से नौ हो गया कितना हो गया, तो सोलह में से नौ हो गया कितना बचा, सात हो गया। क्या यह संख्या जो ग्यारह से विभाजित होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि अंतर इसका क्या आ गया है, सात आ गया, जो ग्यारह से विभाजित। अब रूल जो सेवन का जो मैंने सबसे लास्ट में बता रहा है, तो इस सेवन के रूल थोड़ा सा जो है इसको अच्छे से समझना है, कि सेवन का रूल तो ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन इसको समझना है कि सेवन का रूल में क्या होता है, इसका भाषा से ज्यादा इसको एग्जांपल से ही समझ लेंगे ज्यादा बेहतर है। तो सात के लिए क्या कहा जाता है, कि सात में हम लोग तीन तीन अंकों का समूह बनाते हैं, कितने अंकों का समूह बनाते हैं, तो तीन तीन अंकों। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो छह अंक है, अगर पांच अंक होता तो एक तीन अंकों का समूह बनता और एक जो बच गया उसका समूह बनता। तो यहाँ पर संयोग है कि छह अंक है, तो छह अंक है तो यहाँ पर तीन अंक का एक समूह बन गया और यहाँ पर तीन अंक का एक समूह बन गया, तो ये पहला समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया। तो वही बात, यहाँ तीन तीन अंक का समूह बनाना है, वहां पर एक एक अंक को, ग्यारह वाले एक एक अंक को अल्टरनेट जोड़ के दो समूह बनाना है, और यहाँ पर तीन तीन अंकों का समूह से स्टार्ट करना है, तो दो समूह बन गया। फिर दोनों समूह का क्या क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, वही काम करना है, अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर इसका कितना आ जाएगा, तो दोनों ये पहला समूह से जो संख्या बना हुआ 213 बना, दूसरे समूह से जो संख्या बना वो भी 213 बना, इस 213 माइनस 213 ये क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब है कि अगर अंतर जीरो आ जाए तो वह किससे कट जाएगा, सेवन से भी कट जाएगा, इलेवन से भी कट जाएगा, और थर्टीन तीनों से विभाज्य होगा, इससे विभाज होगा। अंतर अगर जीरो आ जाए, तीन तीन अंकों का समूह बना के, और समूह तो बनाना है आपको दो ही, मात्र कितना समूह बनाना है, दो समूह, संयोग है कि यहाँ के छह अंक है तो दो ही समूह बनेगा। अब दोनों समूह का अंतर ज्ञात करेंगे, अगर अंतर जीरो आ गया तो वह सात से भी विभाजित होगा, ग्यारह से विभाजित होगा, और किससे, तेरह से विभाजित है, तीनों का एक, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहां पर यहां देखिए सात से ग्यारह से और तेरह से, सात से ग्यारह से और तेरह से तीनों से विभाजित हो। अब यहां से देखते हैं, इसको हम सात के लिए चेक कर रहे हैं, और सात के लिए चेक कर रहे हैं, देखते हैं तो आपको सात वाले में कितना का समूह बनाना है, तो तीन तीन अंकों का, तीन अंकों का यहाँ, उसके बाद तीन अंकों का, जो बच गया वो तीसरा समूह, ठीक है। अब इस तीनों को अल्टरनेट जोड़ना है, अल्टरनेट यानी समूह को अल्टरनेट जोड़ना है हमको। लास्ट में हमेशा कितना समूह बनना चाहिए, सिर्फ दो ही समूह, अगर दो से ज्यादा बना है तो आप अल्टरनेट समूह को जोड़िए। तो ये पहला समूह था, ये दूसरा समूह था, और ये कहना समूह था तीसरा। अब ये ऐसा तीसरे समूह में जो है वो तीन अंक तो नहीं है, अब
जो बच गया वो एक अंक बचे, दो अंक बचे या तीन अंक बचे, ठीक है। अगर चार अंक बचता तो तीन तीन अंकों का समूह बन गया, फिर एक चौथा समूह बनता चौथा। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीन समूह बना है, एक तीन अंक का है, ये भी तीन अंक का है, ये जो बच गया दो अंक का है। अब क्या करना है कि तीन अंकों का समूह है, तीन समूह नहीं चाहिए हमेशा, कितना समूह चाहिए, दो समूह चाहिए, इसलिए अल्टरनेट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, अल्टरनेट, यानी इसको जोड़ेंगे, पहला समूह को जोड़ेंगे किसके समूह के साथ, तीसरे समूह का, जोड़िए 577 में कितना जोड़ेंगे 65, 7 5 12 7 6 13 1 14 और 5 1 642, ठीक है। अब 642 हो गया इस दोनों को जोड़ने पर, और ये एक समूह में कितना है 432 है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, वही माइनस करेंगे, दो समूह बन गया, अब यहाँ माइनस कर देते हैं 432 माइनस कर दीजिए, यहाँ से कितना गया 0 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ से 210। अब अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 210। अब चेक कर लेंगे कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 7 से भाग दीजिए 7 या 21, यानी ये तो पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब है कि पूरी संख्या जो 7 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि अभी संख्या किससे विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। अगर चेक करना है आपको कि यह संख्या 11 से, क्योंकि 11 के नियम में भी आप इस नियम को लगा सकते हैं, तो क्या ये 11 से कटेगा, 11 के 11 तो बच गया 10 और 0 11 में नहीं कटेगा, इसका मतलब यह 11 से नहीं कटेगा। अब 13 वाले में 13 से देखना है, ट्राई करना है, तो 13 वाले में देखिए 13 से 13 कम 13 बच गया कितना यहाँ पर 8 और 0 13 6 78 नहीं कटेगा 13 से, यानी 13 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, तो 7 से ही कटेगा। अब इस संख्या को देखिए, इस संख्या को हम चेक कर रहे हैं, इस संख्या को, यह संख्या किससे किससे कटता है, क्योंकि 7 11 और 13 का एक ही नियम है, एक ही नियम, अगर आप 11 का एक और नियम अल्टरनेट जोड़ने वाला एक एक अंक देखिए, लेकिन अगर 7 11 और 13 का अगर दूसरे नियम से 11 का बनाते हैं, तो आप तीन तीन अंकों का समूह बना के भी आप 11 वाला चेक कर सकते हैं। तो तीन अंकों तीन अंक और यहाँ पर भी तीन अंक, संयोग से यह सब में तीसरा समूह बन गया। अब आपको कितना समूह बनाना है, दो ही समूह बनाना है, तो इसको इसको ऐड कर देंगे, 150 और 108 कितना हो जाएगा, 150 और 108 8 5 218 हो गया, और एक समूह ये है, इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बराबर से छोटा माइनस करना है, माइनस कर दिए, तो 8 में से 5 के कितना बचा 3, 5 में से क्या 4 और 2 में से क्या 143, कितना बचा 143 आया अंतर, अंतर आ गया 143। अब इसको 7 से भी चेक करेंगे, 11 से भी चेक कर सकते हैं, और 13 से, अगर 0 हो जाता अंतर तो तीनों से बढ़ जाता है। अब 143 आया है, तो 7 से अगर काटना है तो 7 से चेक करेंगे, यह संख्या अंदर जो अगर 7 से कटेगा तो 7 से विभाजित होगा, तो 7 से चेक करेंगे, 7 × 14 यदि कटेगा 7 से, इसका मतलब है यह पूरी संख्या जो है, जो पूरी संख्या वो 7 से विभाजित नहीं होगी। अगर 11 से भी चेक कर सकते हैं इसको इसी प्रकार से, 11 के 11 3 वगैरह दे देते हैं, यानी 11 से कट जाएगी इसको, पूरी संख्या किससे कट जाएगी 11 से, और 13 से 13 × 13 और 13 × 13 यानी कट जाएगा 13 से भी। तो 7 11 और 13 का एक ही नियम है, 11 का एक दूसरा नियम भी है, तो आप दूसरे नियम से भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो 7 11 और 13 का एक नियम अल्टरनेट जोड़ के भी तीन तीन अंकों का, ठीक है। तो आज आप लोग भाज्यता का नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े, तो अगले क्लास में हम इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसको हम अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए